गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2024 काउंसलिंग शेड्यूल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट ऑन June 28, 2024 मॉर्निंग सेशन। तो जिन स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 28 जून 2024 को, तो उनकी जो रैंक लिस्ट है वो पब्लिश हो गई है और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी आ चुका है। फॉर एडमिशन इन MSc फाइव ईयर कोर्स बॉटनी, MSc फाइव ईयर कोर्स केमिस्ट्री, MSc फाइव ईयर प्रोग्राम फूड टेक्नोलॉजी, MSc फाइव ईयर प्रोग्राम ह्यूमन जेनेटिक्स, MTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग फाइव ईयर प्रोग्राम, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग फाइव ईयर प्रोग्राम, MSc फाइव ईयर प्रोग्राम माइक्रोबायोलॉजी, MSc फाइव ईयर प्रोग्राम फिजिक्स, MSc फाइव ईयर प्रोग्राम जूलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, B फार्मेसी, BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BTech फूड टेक्नोलॉजी, BTech टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो जो आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले डेट, रैंक, उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम। तो सबसे पहले जर्नल कैटेगरी काउंसलिंग ब्रैकेट में लिखा है फॉर ऑल कैटेगरीज। तो फॉर ऑल कैटेगरीज का क्या मतलब है, इसका मतलब हम आपको इस नोटिफिकेशन के नीचे जाकर बताते हैं। तो सबसे पहले जर्नल कैटेगरी काउंसलिंग डेट 3 जुलाई 2024 को, जो रैंक आएंगे वो आएंगे 1 से लेकर 114 तक। रिपोर्टिंग टाइम 8 AM। उसके बाद रैंक 126 से लेकर 229 तक, रिपोर्टिंग टाइम 11 AM 3 जुलाई को। उसके बाद रैंक 248 से लेकर 364 तक, रिपोर्टिंग टाइम 2 PM 3 जुलाई को। उसके बाद रैंक 395 से लेकर 475 तक, रिपोर्टिंग टाइम 3:30 PM 3 जुलाई को। उसके बाद नेक्स्ट डे काउंसलिंग होगी जनरल रैंक काउंसलिंग फॉर ऑल कैटेगरी 4 जुलाई 2024 को, रैंक 508 से लेकर 612 तक, 8 AM 4 जुलाई को। उसके बाद रैंक 640 से लेकर 766 तक, टाइमिंग 11 AM 4 जुलाई को। उसके बाद रैंक 815 से लेकर 900, टाइमिंग 2 PM 4 जुलाई को ही। उसके बाद रैंक 959 से लेकर 1070 तक, टाइमिंग 3:30 PM 4 जुलाई को ही। उसके बाद 5 जुलाई को काउंसलिंग होगी सबसे पहले जनरल कैटेगरी काउंसलिंग फॉर ऑल कैटेगरी, रैंक 1132 से लेकर 1247 तक, टाइमिंग 8 AM 5 जुलाई को। उसके बाद जनरल कैटेगरी काउंसलिंग फॉर ऑल कैटेगरी, रैंक 1305 से लेकर 1484 तक, टाइमिंग 11 AM 5 जुलाई को। उसके बाद काउंसलिंग फॉर SC कैटेगरी कैंडिडेट्स, रैंक 1 से लेकर 900 तक जिनका है, उनकी काउंसलिंग होगी 2 PM 5 जुलाई को। उसके बाद SC कैटेगरी ही रैंक 959 से लेकर 1337 तक, रिपोर्टिंग टाइम 3:30 PM 5 जुलाई को। उसके बाद नेक्स्ट डे काउंसलिंग होगी 6 जुलाई 2024 को, सबसे पहले काउंसलिंग फॉर SC कैटेगरी कैंडिडेट्स, रैंक 1355 ऑनवर्ड्स जितने भी आगे होंगे उनकी काउंसलिंग होगी 8 AM 6 जुलाई को। उसके बाद काउंसलिंग फॉर ऑल BC कैटेगरी, रैंक 1 से लेकर 900 तक जिनका है, उनकी टाइमिंग है 11 AM 6 जुलाई को। उसके बाद काउंसलिंग फॉर ऑल BC कैटेगरी, रैंक 959 से ऑनवर्ड जितने भी हैं, उनका जो काउंसलिंग होगी वो होगी 2 बजे दोपहर को 6 जुलाई को ही। उसके बाद लास्ट में काउंसलिंग फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, PWD एक्सेट्रा जितने भी हैं, ऑल अदर कैटेगरी रैंक जितना भी हो, आपकी काउंसलिंग होगी 3:30 PM 6 जुलाई को। उसके बाद जो वेन्यू है काउंसलिंग का वो है महाराजा रंजीत सिंह भवन। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि जो रिज़र्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग में भी पार्ट ले सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं, अगर उन्होंने फीस के बेनिफिट्स लेने हैं। अगर वो जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग में जाएंगे तो वो अपनी रिज़र्व कैटेगरी वाली काउंसलिंग में नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखा मिल जाएगा जनरल रैंक काउंसलिंग और ब्रैकेट में लिखा फॉर ऑल कैटेगरीज। तो आप जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग में भी जा सकते हैं, फिर आप अपनी रिज़र्व कैटेगरी जैसे SC BC या और उनमें आप नहीं जा सकते, अगर आपने फीस के बेनिफिट लेने हैं। तो ये आपने डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आपको काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं,
सबसे पहले आपको बताया गया कि आपने काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर लेके आना है। जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो इसी पीडीएफ में है, लास्ट में ये हम आपको लास्ट में बताते हैं। ये वाला फॉर्म आपने प्रिंट करवा कर फिल कर लेकर आना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि फिज़िकल तौर पर आपका काउंसलिंग में होना ज़रूरी है, फिर ही आपकी एडमिशन होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपने जो काउंसलिंग का आपका टाइम है रैंक वाइज उस हिसाब से ही पहुंचना है, नहीं तो जो आपकी सीट है वो अगले स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो आपने काउंसलिंग का टाइम से पहले एक घंटा पहले ही पहुँच जाओ, फिर आपकी सीट पक्की है। उसके बाद आपको बताया गया है फोर्थ पॉइंट में कि जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने ओरिजिनल और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेकर आनी है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम फिल किया होगा वो आपने करना है विद ओरिजिनल फोटोग्राफ। उसके बाद टेंथ का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके बाद प्लस टू की डीएमसी, अगर डीएमसी नहीं है तो आप रिजल्ट वेबसाइट से डाउनलोड करके भी लेके आ सकते हो उसका प्रिंट। उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने 7 दिन के अंदर अंदर एडमिशन होने के बाद सबमिट करवाना है करैक्टर सर्टिफिकेट। आपने अपने प्रिंसिपल से लेकर आना है, जो भी आपने स्कूल या फिर कॉलेज लास्ट अटेंड किया होगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने लेकर आना है, अगर एडमिशन करवाते टाइम काउंसलिंग के टाइम मतलब आपके पास नहीं है तो आपने लिख कर देना है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप सबमिट करवा दोगे। उसके बाद 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ आपने लेकर आनी है पासपोर्ट साइज़। उसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपने लेकर आना है। उसके बाद रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो रिज़र्व कैटेगरी क्लेम करेंगे, और रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको प्रोस्पेक्टस 2024-2025 में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपने जो फीस है वो लेकर आनी है, फीस आपको ऑन दी स्पॉट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी कैश, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 से ज़्यादा स्टूडेंट के सेम मार्क्स हैं तो उस स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब कि उस स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगी पहले जिसके हायर मार्क्स होंगे इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, या फिर जिसकी एज ज़्यादा होगी, मतलब कि जो उम्र में बड़ा होगा। उसके बाद सिक्स पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो ऑन दी स्पॉट डिपॉजिट करवानी है काउंसलिंग के बाद। अगर आप फीस सबमिट नहीं करवाओगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, जो आपको सीट मिली होगी वो कैंसिल हो जाएगी। फ़ीस आपने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश के थ्रू करनी है, चेक अलाउड नहीं है। और जो फीस है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ कोर्स, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कंपलसरी है सभी स्टूडेंट को सबमिट करवाना काउंसलिंग के टाइम ऑन दी स्पॉट। सबसे पहले MSc फाइवर प्रोग्राम बोटनी, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 37835। उसके बाद MSc फाइवर प्रोग्राम केमिस्ट्री, फीस 37835। उसके बाद MSc फाइवर प्रोग्राम फूड टेक्नोलॉजी, फीस 55915। उसके बाद MSc फाइवर प्रोग्राम ह्यूमन जेनेटिक्स, फीस 39315। उसके बाद MTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग फाइवर प्रोग्राम, फीस 86145। उसके बाद मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग फाइवर प्रोग्राम, फीस 64025। उसके बाद MSc माइक्रोबायोलॉजी फाइवर प्रोग्राम, फीस 37835। उसके बाद MSc फाइवर प्रोग्राम फिजिक्स, फीस 37835। उसके बाद MSc फाइवर प्रोग्राम जूलॉजी, फीस 68550। उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फीस 59210। उसके बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, फीस 57690। उसके बाद BSc डाइटिटिक्स एंड न्यूट्रिशन, फीस 57690। उसके बाद BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फीस 57690। उसके बाद बी फार्मेसी, फीस 86145। उसके बाद BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फीस 165175। उसके बाद BTech फूड टेक्नोलॉजी, फीस 77640। उसके बाद BTech टेक्सटाइल एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फीस 77640। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट में आपको बताया गया कि एडमिशन करवाते टाइम अगर किसी भी स्टेज पर GNDU यूनिवर्सिटी को लगा कि ये कैंडिडेट कोई गलत सर्टिफिकेट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी एडमिशन उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि जो रिज़र्व कैटेगरी हैं SC BC फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स, वो बस पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं उनमें। उसके बाद ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये काउंसलिंग का फॉर्म है, ये आपने फिल करना है अपने हाथों से और फ़ोटो चिपकानी है, ये आप प्रिंट करवा कर ले आना और आराम से GNDU यूनिवर्सिटी पहुंचकर फिल कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप टीचर से भी पूछ सकते हो।
तो ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जीएनटीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।